हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे एंड आप बहुत नीटनेस और क्लीनलीनेस के साथ रह रहे होंगे बिकॉज अलोंग विथ कोरोना नाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंगस आर ऑल्सो एक्टिव इन द मार्केट. सो प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द वेरियंट्स ऑफ द डिसीज़. फाइन, नॉट ओनली योर्स, आपके जितने भी क्लोज्ड हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपकी फैमिली है, सबका ध्यान रखिए, फैमिली के पास रहिए, बाकी लोगों से डिस्टेंसिंग बना के टेक केयर ऑफ एवरीवन. ओके, आज के सेशन में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज का हमारा डिस्कशन है कुछ ईडियम्स पे. अब ईडियम्स, अगेन आई एम सेइंग कि ये दोनों तरह से आपके लिए यूज़फुल होगा. पहली चीज़, आप अपने कम्युनिकेशन में ईडियम्स को यूज़ कर सकते हैं. लाइक प्लेइंग बास्केटबॉल इज़ वेरी इजी फॉर मी, तो प्लेइंग बास्केटबॉल इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर मी. तो यहाँ पर एक हमेशा बोलने वाली चीज़ की जगह पर आई यूज्ड एन ईडियम. वेरी इजी तो ठीक है, बट इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक. तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप कन्वर्सेशन में ईडियम को यूज़ कर रहे हैं तो इट शोज़ दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ लैंग्वेज और आपका जो कम्युनिकेशन है, सामने वाला आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होता है बिकॉज ही नोज़ कि ये जो पर्सन है इसके पास से मुझे कुछ नया जानने को मिलेगा. तो पहली चीज़ कि अगर आप ईडियम्स और फ्रेजेस को अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं तो आप अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रेसिव बनाते हैं. ओके, और दूसरी चीज़ कि ये जो ईडियम्स और फ्रेजेस होते हैं ये आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. फाइन, तो हम आज के ईडियम्स और फ्रेजेस डिस्कस करते हैं. ठीक है, ईडियम्स और फ्रेजेस में जो फर्स्ट ईडियम है आज का वो है अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक. अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक का मतलब होता है कि व्हेन अ किड रिसेम्बल्स द पेरेंट्स इन कैरेक्टर और अपीयरेंस. मतलब जो हम बोलते हैं हिंदी में कि ये अपने फादर पे गया है, ये अपनी मदर पे गई है या फादर पे गई है, ये दादाजी जैसी हरकतें हैं, तो इन प्लेस ऑफ दैट व्हाट यू कैन यूज़ अ चिप ऑफ ओल्ड ब्लॉक. समवन हु रिसेम्बल्स पेरेंट्स इन कैरेक्टर एंड अपीयरेंस. मतलब जब किसी बच्चे की आदत पेरेंट्स से रिसेम्बल करती है, एक जैसी होती हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ टू थ्रो अप द स्पंज. टू थ्रो अप द स्पंज का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग. मतलब आप कोशिश कर रहे हैं किसी काम को करने की, बट एट अ मोमेंट जब आपको लगता है कि इसमें बहुत सारे हर्डल्स है एंड यू स्टॉप गिविंग योर एफर्ट्स, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? यू थ्रो अप द स्पंज. यू हैव स्टॉप्ड ट्राइंग टू डू समथिंग. द नेक्स्ट वन, क्राई डाउन. क्राई डाउन का मतलब होता है कि बहुत तेज़ी से शोर करके सारी चीज़ों को साइलेंट कर देना. लाइक टू साइलेंस बाय मेकिंग अ ग्रेटर नॉइस. कि चारों तरफ बहुत सारा शोर है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपने एक बड़ी सी आवाज़ की एंड यू मेड एवरीवन साइलेंट. क्योंकि सबका ध्यान कहाँ गया? उस बिगर नॉइस की तरफ. जनरली द टीचर्स अप्लाई दिस इन क्लासरूम कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं एंड देन डू नॉट सिट साइलेंटली, दैट टाइम व्हाट टीचर डज, शी स्टक द डस्टर ऑन टेबल. ओके, नेक्स्ट वन, टेक ऑन. मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाना, बिकम वेरी अपसेट. टाइट रोप वॉक. टाइट रोप वॉक क्या होता है कि ऐसी कोई सिचुएशन जब हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है, उस सिचुएशन में जिस तरह से हम अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, दैट हैंडलिंग इज़ टाइट रोप वॉक. राइट नाउ जैसे हम कोरोना में हर चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हैविंग अ टाइट रोप वॉक. वो सिचुएशन जब हमें बहुत ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधानी से रहने की ज़रूरत है. ठीक है, पास्ट हिमसेल्फ ऑफ. पास्ट हिमसेल्फ ऑफ का मतलब होता है प्रिटेंड टू बी. मतलब ओरिजिनली आप कुछ और हैं, आपकी आदतें कुछ और है, बट टू शो समवन, टू प्रूव समवन, आप कुछ और प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो व्हाट इज़ दैट सिचुएशन? दैट इज़ पास्ट हिमसेल्फ ऑफ. स्पिक एंड स्पेन. स्पिक एंड स्पेन इज़ अ सिचुएशन जो बहुत नीट है, क्लीन है एंड
वेल लुक्ड आफ्टर, मतलब कोई प्लेस, कोई पर्सन या कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत ही नीट क्लीन है और जिसकी बहुत अच्छे से देखभाल की गई है. सो वॉट यू विल एड टू दैट, स्पिक एंड स्पेन. नेक्स्ट वन, टू टेक द कॉल ऑन. टू टेक द कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? मेक अ डिसीजन और जजमेंट, मतलब कोई भी सिचुएशन है, कोई भी स्थिति चल रही है और उसके ऊपर आप आगे आए और आपने कोई डिसीजन लिया, आपने कोई जजमेंट दिया. तो व्हाट यू डिड, यू टुक द कॉल ऑन द सिचुएशन. राइट नाउ जैसे एग्जाम्स को लेकर चल रहा है, सो आर एजुकेशन मिनिस्टर नीड टू टेक अ कॉल ऑन द सिचुएशन. ही नीड टू रीच सम डिसीजन और जजमेंट अबाउट द एग्जामिनेशन टू क्लियर द डाउट्स. ठीक है, अगला है रैम्प अप. रैम्प अप करना मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना साइज में या अमाउंट में या क्वांटिटी में. जब आप किसी चीज़ को बढ़ाते हैं तो व्हाट यू डू, यू रैम्प अप द थिंग्स. ठीक है, देन नैरोइंग डाउन. नैरोइंग डाउन का मतलब होता है कि यू आर वर्किंग ऑन दिस 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 दिस, बहुत सारी चीज़ें फैली हुई है, बहुत सारी चॉइसेस हैं. अब इन बहुत सारी चॉइसेस में से जब आपने सिलेक्ट करके, मतलब कुछ चॉइसेस को आपने रिड्यूस कर दिया है, तो व्हाट यू डिड, यू नैरो डाउन द चॉइसेस. ओके, मतलब टेंथ के बाद में कॉमर्स के इतने सारे रास्ते खुले हुए हैं, आर्ट्स के खुले हुए हैं, बायो के हैं, देन मैथ्स के हैं. तो आई ऑप्टेड फॉर मैथ्स. व्हाट आई डिड, आई नैरो डाउन द पॉसिबिलिटीज़ कि अब मुझे किसके बारे में सोचना है. आई हैव टू थिंक अबाउट द मैथ्स ऑप्शन. आर्ट्स, कॉमर्स एंड बायो साइड हो गए. फाइन, द नेक्स्ट वन, रॉब्ड इन. टू परसुएड टू टेक पार्ट इन समथिंग, मतलब किसी को फोर्सफुली किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाना. तो उसके लिए जो idiom या फ्रेज हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा, रॉब्ड इन, मतलब किसी को इंक्लूड करना. कोई नहीं इंक्लूड होना चाहता तो भी उसे वहाँ पर लेकर आना. ठीक, नॉच्ड अप. टू विन और अचीव समथिंग. यू आर वर्किंग फॉर समथिंग एंड यू हैव अचीव्ड इट. यू टॉप्ड द यूनिवर्सिटी. यू नॉच्ड अप द एग्जाम्स. यू नॉच्ड अप द रिजल्ट्स. ओके, तो क्या होता है, टू विन और अचीव समथिंग मतलब नॉच्ड अप. देन नेक्स्ट वन इज हेल्ड ऑफ. हेल्ड ऑफ का मतलब होता है कि आप किसी कंपटीशन में हैं, आप किसी स्पोर्ट्स में हैं और आपका जो ओपोनेंट है, मतलब जो आपके अपोजिट खेल रहा है, वो आपसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या वो आपसे जीत रहा है, तो उसे होल्ड करना, उसे स्टॉप करना आगे बढ़ने से. तो व्हाट इज़ दैट, दैट इज़ हेल्ड ऑफ. ठीक है, व्हाट इट इज़, टू स्टॉप एन ओपोनेंट फ्रॉम स्टार्टिंग टू विन और लीड, मतलब उसे जीतने से रोकना. फाइन, नेक्स्ट वन, बियर द ब्रंट ऑफ. टू रिसीव द वर्स्ट पार्ट ऑफ समथिंग, मतलब कोई भी चीज़ है, कोई चीज़ है, कोई सिचुएशन है, कोई कंक्लूजन है, उसका जब वर्स्ट पार्ट आप रिसीव कर रहे हैं, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ टू कॉन्सिक्वेंसेज, गुड एंड बैड. तो जब किसी भी चीज़ का बैड पार्ट आपके हिस्से में आ रहा है, वर्स्ट पार्ट आप रिसीव कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ हैपनिंग, बियर द ब्रंट ऑफ. ठीक है, तो ये थे हमारे idioms और phrases आज के लिए. यू प्लीज़ प्रैक्टिस देम इन योर एग्जाम्स, प्रैक्टिस देम इन योर डेली लाइफ. ये आपको कम्युनिकेशन में भी हेल्प करेंगे और कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंग्लिश पार्ट में ये डेफिनेटली मिलेंगे. ठीक है, नाउ इसमें कुछ फ्रेजेज ऐसे हैं जिसमें वर्ब का यूज़ हुआ है. तो जिस तरह से हम हमारी मेन वर्ब को यूज़ करते हैं, मतलब सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड ING फॉर्म में हम उसे कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जैसे हम टेक को, इसके फॉर्म्स को हम चेंज कर सकते हैं. देन यहाँ पे नैरो, रोब्ड. तो ये चीज़ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अगर आप पास्ट में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप इन्हें सेकेंड फॉर्म में पास्ट में यूज़ कर लें. अगर आप प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं या फ्यूचर में कंटिन्यूस में यूज़ कर रहे हैं तो आप इनके ING फॉर्म को यूज़ कर लें या आप इनके सिंपल फर्स्ट फॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस देम एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट. फाइन, एंड प्लीज़ डोंट
डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एस्केप द ऑर्डिनरी टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बाय बाय Time is standing still as I let go of your cold hand. Eyes are wet, but lips are dry, and all the things we